सर्जरी पर बोली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। कहा कि वो डर गई थी और पूरी तरह से टूट चुकी थी। नो सर्जरी हुई थी गलत। आखिर क्या कहा प्रियंका ने, आइए जानते हैं। प्रियंका चोपड़ा की बुक अनफिनिश्ड अब रिलीज हो चुकी है और इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में प्रियंका के फैंस नहीं जानते हैं। उनमें से एक है उनकी नो सर्जरी जो उन्होंने साल 2000 में करवाई थी। जी हाँ, प्रियंका ने एक नो सर्जरी करवाई थी एंड इट वेंट रॉन्ग। प्रियंका ने इस इंसिडेंट को याद करते हुए कहा, मैं डॉक्टर के पास गई थी जिसे मेरे परिवार के लोगों ने रिकमेंड किया था। उन्हें मेरी नाक की नेजल कैविटी में पॉलिप मिला जिसे हटाना था। ये सिर्फ सर्जरी से ही हट सकता था। ये वैसे तो रूटीन प्रोसीजर होता है लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। पॉलिप के लिए मैं सर्जरी कराने गई तो डॉक्टर ने गलती से मेरी नाक की ब्रिज में कुछ गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से नाक का ब्रिज डैमेज हो गया। जब पट्टियां हटाने की बारी आई तब मैंने अपनी नाक की स्थिति देखी। मैं और माँ हम दोनों ही डर गए थे। मेरी असली नाक पूरी तरह से जा चुकी थी। मेरा चेहरा पूरी तरह से अलग दिख रहा था। मैं नहीं थी वहाँ। मैं ये सब देखकर टूट गई थी और उम्मीद खो चुकी थी। मैं जब भी शीशा देखती थी तो ऐसा लगता था कि अजनबी इंसान मुझे देख रहा है और हंस रहा है। प्रियंका आगे कहती है कि मैं खुद को और अपने आत्मविश्वास को खो चुकी थी। मुझे लगने लगा था कि मैं इस चीज से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। ये एक्सपीरियंस मेरे और परिवार के लिए काफी इमोशनल था क्योंकि मेरे माता पिता भी डॉक्टर थे। मुझे सबसे ज्यादा चोट इस चीज ने पहुंचाई कि मेरी नाक की सर्जरी पब्लिक अफेयर बन चुकी थी। लोग मुझे प्लास्टिक चोपड़ा बुला रहे थे। अचानक से ये नाम अखबारों और आर्टिकल्स में आने लगा था जिसने मेरे पूरे प्रोफेशनल लाइफ में मेरा पीछा किया। प्रियंका कहती है कि खुद को हील करने के लिए उन्होंने कई कोर्स ज्वाइन किए, आज तक कर रही है। मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हर चीज पब्लिक की जाएगी। ये तो केवल मैं ही तय कर सकती हूँ कि क्या जाना चाहिए और क्या नहीं। पॉलीपेक्टोमी के बाद मैंने नाक ठीक कराने के लिए कई सर्जरी कराई। खुद को अलग तरह से पाने के बाद मैं खुश हूँ। बता दे कि रिसेंटली प्रियंका ने एक वीडियो भी शेयर किया और उन्होंने अपने इस किताब के बारे में बात की। देखे आखिर क्या कहना है प्रियंका का। When I decided to write this book, it was, you know, at a time when we all were in quarantine and it was, you know, a vulnerable time, the first time in many years that I had paused. So I got really honest with myself and with my writing, and I hope that all of you will give this first-time author a chance and, you know, give my book a chance and read it with an open heart and an open mind and get to know me as a person. I really hope you enjoy my unfinished story. Well, Priyanka वाकई टूट चुकी थी इस सर्जरी के बाद। आपका क्या कहना है Priyanka के साथ हुए इस घटना के बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.